रामपुर की कमान संभालते हुए रामपुर शहर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने लिया जायजा। पुलिस अधीक्षक रामपुर द्वारा शहर क्षेत्र में अपर पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक तथा समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारियों समेत भारी पुलिस बल के साथ साथ सर्राफा मार्केट व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैदल मार्च किया। इस दौरान सभी धर्मों के व्यक्तियों के साथ शांति कानून व्यवस्था के संबंध में वार्ता की गई। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनपद रामपुर में आज जो है मैंने यहाँ पे आज ज्वाइन किया है और ज्वाइनिंग के साथ ही जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी थे, कर्मचारी थे, सबकी मीटिंग की गई। मीटिंग में जो उचित दिशा निर्देश थे क्राइम कंट्रोल कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए वो दिए गए और उसके बाद ये पूरे शहर क्षेत्र में करीब 8 किलोमीटर का ये रूट मार्च यहाँ पे किया गया है। इस रूट मार्च से जो एरियाज थे उनको भी देखा गया, जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र है, बाकी सर्राफा के मार्केट है, उन सबको जो है पैदल गश्त के दौरान उनको भी चेक किया गया। और साथ ही साथ हमारी जो फोर्स की तैयारियां हैं, जो फोर्स के लोग जगह जगह तैनात हैं, पब्लिक के लोग हैं जिसमें हमारे सर्राफा बंधु है, बाकी जो है विभिन्न धर्मों के लोग जो है उनसे भी वार्ता किया गया और उनको ये भरोसा दिलाया गया कि जनपद रामपुर में एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एवं क्राइम कंट्रोल करने के लिए हमारी पुलिस टीम लगातार कार्य करती रहेगी और आपके माध्यम से हमारे जो जनपदवासी है उन सभी को मेरा ये संदेश रहेगा, किसी तरीके से अमन चैन से रहना है, शांति व्यवस्था बिल्कुल बनाए रखना है और जनपद रामपुर की जो पुलिस टीम है क्राइम कंट्रोल कानून व्यवस्था और जनता में सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार कार्य और परिश्रम करती रहेगी।